गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन एवर यू वॉचिंग दिस वीडियो. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इसका लेक्चर नंबर आ गया है 14. तो इस लेक्चर में हमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन. अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, उसको हमें देखना है. बहुत डिटेल में चलेंगे. डीएनए से आरएनए कैसे बनता है उसको हमें देखना है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ओके, अब देखिए, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हमने बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को क्लियर किया था, वो भी बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया था. ठीक है, कौन से एंजाइम्स होते हैं लगभग आपको याद भी हो गए थे अगर आपने देखा होगा लेक्चर तो. अगर किसी ने नहीं देखा है और वो देखना चाहता है तो यहाँ पे लिंक गिवन है आई बटन में, आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं या फिर गूगल पे टाइप कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी विद मी एकता, आप लिख दीजिए, आपको लेक्चर मिल जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको मेरे और भी कोई लेक्चर चाहिए, अगर मैंने वीडियो बनाया है तो आपको मिल सकता है. जो भी टॉपिक है उसका नाम लिखिए, साथ में लिख दीजिए स्टडी विद मी एकता, आपको टॉपिक मिल जाएगा. तो आज हम बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है. तो चलिए देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा हमें पता चल गया है कि डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन. ठीक है, अब डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए जब बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें सारे के सारे जो डाउट्स होते हैं आपके उनको क्लियर करूंगी. पहली बात तो ये कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है ट्रांसक्रिप्शन में. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है, एंड बेसिक जो डिफरेंसेस होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में एंड हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, उनको भी हम देख लेंगे. क्योंकि आपके हर तरीके से डाउट क्लियर होंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर मैं कर पाऊँ और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, इसका प्रोसेस देखना है. तो प्रोसेस में क्या होता है कि प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि आपको क्या नहीं पता होता, कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि सिस्ट्रोन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है. ठीक है, इनके बारे में जानना है. उसके बाद मोनोसिस्ट्रोनिक पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होती हैं इनके बारे में भी जानना है. एंड हमें जानना है कि जो डीएनए होता है जंक डीएनए क्या है एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए कौन सा होता है. तो उन सभी पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से समझना है. अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी. तो चलिए देख लेते हैं. देखिए, डीएनए से आरएनए का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन से किस तरीके से डिफर करता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन, यहां से आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं. डायरेक्टली बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज्यादा कर दूंगी क्योंकि जो उसमें दिया हुआ है, जिस वे में दिया हुआ है वो आपको समझ में आ जाए. आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है एंड वो आपको समझ में कब आएगी, जब आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे. ओके, तो चलिए, डीएनए वर्सेज रेप्लिकेशन वर्सेज ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं एंड सिमिलरिटीज भी क्या हैं, वो भी हम देखेंगे. तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं. कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा. पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है. ओके, अब देखो दूसरा क्या है, इसमें जो एंजाइम हम यूज में लेते हैं वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है. इसमें होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए
पॉलीमरेज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। इसमें कौन सा एंजाइम हम यूज में लेंगे? इसमें हम यूज करेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये भी इसका नाम है। ये डीएनए से डीएनए बनाता है और ये डीएनए से आरएनए बनाता है। अब थर्ड डिफरेंस क्या होगा कि जो डीएनए है वो, जैसे हमने डीएनए को इस तरीके से, ये कोई डीएनए है, इसमें कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये तो होता है कि कुछ पार्ट्स का पहले हो जाता है, कुछ का बाद में होता है, लेकिन इसमें दोनों स्ट्रैंड हैं उनका रेप्लिकेशन होता है, मतलब इस स्ट्रैंड का भी एंड इस स्ट्रैंड का भी, दोनों स्ट्रैंड का ही रेप्लिकेशन होता है, तो दोनों स्ट्रैंड की कॉपीज बनती है हम बोल सकते हैं। लेकिन जो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, रेप्लिकेशन अकर इन कंप्लीट ऑफ कंप्लीट डीएनए। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन अकर ऑन सर्टेन एरियाज, और हम बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं, कुछ जगह होती है, स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं, उसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब फोर्थ हम लिख सकते हैं कि जो डीएनए है उसमें दोनों स्ट्रैंड कैसे काम में आते हैं, एज टेम्पलेट, बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। बट इसमें क्या होगा, इसमें दोनों स्ट्रैंड, जैसे ये डीएनए है एंड इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो इनमें दोनों में ही ये क्या थे, ये टेम्पलेट था एंड ये भी टेम्पलेट था। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, टेम्पलेट होने का मतलब क्या है कि ये अपनी कॉपीज बना रहे हैं, ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है, मतलब दोनों में ही, दोनों स्ट्रैंड में ही कॉपी बन रही है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में पहली बात तो कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड, इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक स्ट्रैंड, मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड है, इसको खोल लेती हूं, जैसे ये हमारा डीएनए है तो एक स्पेसिफिक यूनिट में होगा, कोई स्पेसिफिक यूनिट है, एंड उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि उसके जैसे 5' to 3', 3' to 5'। ओके, तो उस पार्ट में जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मान लीजिए इस स्ट्रैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहां से आरएनए बन रहा है। ठीक है, आरएनए बन रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो इसमें इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट एंड इसको हम बोलेंगे कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है किसमें, डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में, तो हम बोल सकते हैं ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड अनदर स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब ये कोड करता नहीं है, बट इसका नाम रख दिया गया है, बस ऐसे समझिए। ठीक है, ये कोड नहीं करता, कोड जो करता है
वो कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, इसका सिर्फ नाम दे दिया है कोडिंग स्टैंड, जो एक्स्ट्रा स्टैंड, एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, जो दूसरा स्टैंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस क्या है, इसमें जो एनर्जी हमें मिलती है, मतलब जैसे डीएनए को जब खोलते हैं इस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए, लेकिन इसी तरीके से जब इनके जो बॉन्ड्स टूटते हैं, जैसे कि ए टी, इनके बीच बॉन्ड्स होते हैं टी ए, इनके बीच जो बॉन्ड्स होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, एंजाइम तो हमें चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हेलिकेज, ठीक है, लेकिन इनमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हम बोल सकते हैं इनमें सबस्ट्रेट कौन यूज में लिया जाता है, तो इसमें कौन कौन से सबस्ट्रेट हो सकते हैं, समझ पा रहे हैं, सबस्ट्रेट जो सिर्फ इनको तोड़ने में हेल्प करते हैं, इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, कोडिंग में हेल्प नहीं करते, बट वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं कि जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट क्या होंगे, सबस्ट्रेट इसमें होते हैं डीऑक्सी एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डीऑक्सी जीटीपी ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटोसिन साइटिडिन ट्राई फॉस्फेट, इसी तरीके से डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, ये होते हैं इसमें। हमने क्या लगाया, डीऑक्सी लगाया, आपको पता है जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। देखो थोड़ा सा हो सकता है अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको डिफिकल्टीज आएंगी, उसको एक कम समझ में आएगा, लेकिन जिसने देखा है उसको समझ में आ जाएगा। डीऑक्सी का मतलब यहाँ पे एच प्रेजेंट होगा, ओएच नहीं होगा डीएनए की बात करें तो, ओके, एंड यहाँ पे क्या होंगे, थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े होंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थ्री फॉस्फेट ग्रुप होंगे, अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एक इसमें नाइट्रोजनस बेस एंड ए शुगर, ये मिलके क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट जोड़ देंगे तब क्या बन जाता है, ये फॉस्फेट और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, समझ पा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट, ठीक है, डीऑक्सी, डीऑक्सी तो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें बताना है कि इसमें कौन सी शुगर यूज हो रही है, डीऑक्सीराइबो शुगर, तो हम एक और नाम क्या दे सकते हैं इसको, चलिए मैं लिख देती हूँ यहीं पे, हम क्या बोल सकते हैं इनको कलेक्टिवली, डीऑक्सी इतना पार्ट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, जब ये बोन टूटेंगी, ठीक है, ये दो जो फॉस्फोरस हैं निकल जाएंगी तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, ये एनर्जी कहाँ पे यूज की जाएगी, जो डीएनए में क्या होता है, जब इनके बीच के जो बॉन्ड्स टूटते हैं, एटी जो बेस पेयर होती है, जब उनके हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटेंगे उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है, मैंने पहले भी समझाया है। अब इसमें कौन सी हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट होते हैं, तो ये सबस्ट्रेट हो गए, आप ये याद कर सकते हैं एंड ये याद कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा सबस्ट्रेट होता है, इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जो सबस्ट्रेट होंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये इसी का पार्ट है, ओके, इसमें सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं, एटीपी, ठीक है, एटीपी जीटीपी एंड क्या होगा, यूटीपी, ठीक है, क्योंकि इसमें थायमिन तो होगा नहीं, एंड क्या होगा, सीटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ओके, हमें न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो आरएनए में यू प्रेजेंट होता है थायमिन की जगह, समझ में आता है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राई
फॉस्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये क्या किस में काम में आते हैं, ये काम में आते हैं एज ए सबस्ट्रेट, ठीक है, ओके। तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए जो मैंने लिखा है। अब कुछ और डिफरेंसेस क्या हैं कि इसमें काम में ली जाती है डीएनए में थायमिन, एंड जो दूसरा है आरएनए उसमें हम क्या यूज में लेते हैं, यूरेसिल, ओके। तो आपको पता है फिफ्थ लिख सकते हैं थायमिन इन डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट होता है, बट इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसकी जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल, ओके। इसलिए चलिए समझ में आ गया होगा इतना कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इतना आपके लिए बहुत है। अब सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं, तो सिमिलरिटीज भी अब हम देख लेते हैं। सिमिलरिटीज में क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए एंड आरएनए, सिमिलरिटीज देख रहे हैं, तो पहली सिमिलरिटी क्या है कि इसमें जो एंजाइम यूज में लिए जाते हैं चाहे डीएनए में या फिर आरएनए में, तो वो क्या करते हैं, किस तरफ पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब किस तरफ डीएनए का, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, या फिर डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, या फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में 5' से 3', मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा 5' टू 3', 5' टू 3', ओके। सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है 5' टू 3'। एक इसमें 6 पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसमें प्राइमर यूज में लिया जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, हम क्या करते हैं पहले प्राइमर बनाते हैं, उसके बाद डीएनए फॉर्मेशन होता है, बट इसमें कोई प्राइमर, नो प्राइमर, इसमें कोई भी प्राइमर यूज में नहीं लिया जाता है, डायरेक्टली आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या है कि ये भी 5' टू 3' ही बनाया जाता है, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसी तरीके से, क्लियर है। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है कि टेम्पलेट जो डीएनए है उसी की कॉपी बनती है, ठीक है, वही कॉपी बनाता है, न्यू स्ट्रैंड दोनों में ही किसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है, किसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनती है, जो टेम्पलेट होता है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। अब थर्ड हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंटरिटी मीन्स बेस पेयरिंग जो होती है, बेस पेयरिंग किस तरीके से होती है कि ए अगर प्रेजेंट है तो वहां पे टी आता है डीएनए के केस में, बट कॉम्प्लीमेंट्री तो है, ए के पास में क्या आएगा, टी आएगा, इसमें ए के साथ में क्या आएगा, यू आएगा आरएनए में, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसमें भी दो होंगे, इस तरीके से जी एंड सी दोनों में ही सिमिलर होगा। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंटरिटी, ये दोनों ही फॉलो करते हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाते हैं, ओके। जैसे ये डीएनए है ए टी जी सी टी ए, इस तरीके से इसके ऊपर सीक्वेंसेस हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगी तो क्या होगी, इसकी जगह अगर हमें आरएनए बनाना है, डीएनए से डीएनए या फिर आरएनए बनाना है, तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो यहाँ पे टी ए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी एंड ए एंड टी, डीएनए से ही हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया, ओके। अगर हमें इसी का आरएनए बनाना हो तो हमें कैसे बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहीं पे बना देते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा यू आरएनए के केस में, क्योंकि हमें थायमिन की जगह यूरेसिल यूज करना पड़ता है, इसका ए सी जी यू सॉरी ए एंड यू। पिरिमिडिन को क्या करते हैं, प्यूरिन से हम कॉम्प्लीमेंट्री इनकी बेस पेयरिंग करते हैं,
ओके तो यहाँ ये क्या बन गया आर एन ए, समझ पा रहे? तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग करते हैं. ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा. तो ये कुछ फीचर्स हैं डीएनए एंड आरएनए में, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, आपको समझ में आ गई होंगी. अब हमें देखना है कि डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस है बनने का, उसको किस तरीके से समझेंगे.